बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद दानिश। आज मैं आपके साथ ट्रांसफार्मर वाइंड करने की वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे। यह टेस्टिंग बोर्ड है जो चार वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक काम करेगा। इसी मशीन से मैंने यह ट्रांसफार्मर भी वाइंड किया है, यह ट्रांसफार्मर भी वाइंड किया है। चले अब हम इस बोर्ड के लिए हम ट्रांसफार्मर वाइंड करते हैं। ये 29 नंबर तार है, अब हम इसको लगाते हैं, इसके ऊपर वाइंड करने स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको फिंगर डाल लें। इसके अंदर हम डालते हैं इसको फिर से दोबारा। अब हम इसके अंदर से लेकर आएंगे इस तरीके से, हम इसको पीछे से घुमाते हुए अंदर से लेकर आएंगे। इसके अंदर हम स्लीव लगाएंगे। ये आप लेना है एक नंबर स्लीव, इसको इतना सा काट लें। हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको डबल करके डालें, आसानी होगी। ये स्लीव डाल के मैंने इसके बीच में पाबंद के अंदर एक सुराख कर लिया है जिसके अंदर से हम वायर गुजारेंगे। इसको स्लीव को खींच के तकरीबन इतना रखेंगे और इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि हमें लपेटने में आसानी हो वाइंड करने में। ये मैंने अपने काउंटर को जीरो कर लिया है, ये आप देखें जीरो कर। चलो अब हम इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर चढ़ा के इसकी हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। इसको हम डिस्पेंसर से टेप लेके टेप लगा देंगे। पेपर को अच्छी तरीके से चढ़ा देंगे। फिर से हम टेप की मदद से इसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। ये 32 नंबर तार लेके अब हम इसकी सेकेंडरी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 330 टर्न देने हैं इसको। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ 330 टर्न करने के बाद मिलता हूँ।
सिलेक्शन पेपर चढ़ा के तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसके 100 टर्न दे दिए हैं, अब हमने दोबारा से इसके ऊपर 100 टर्न देने हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 अब ये हम कर रहे हैं। अब हमने इसके इस तरह के 90 90 10 के 12 स्टेप हमने बनाने हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप चल रहा है। ये हमारा चौथा स्टेप स्टार्ट हुआ है, इसके भी हमने 90 टर्न देने हैं। ये हमारा छठा स्टेप कंप्लीट होने वाला है। सातवें स्टेप स्टार्ट हुआ है, पांच स्टेप रहे हैं। ये एक यूनिक आइडिया है, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा पूरा। ये हमारा आठवां स्टेप स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा नौवां स्टेप स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये हमारा दसवां स्टेप स्टार्ट हो चुका है, इसके भी हमने 90 स्टेप देने हैं, 90 टर्न देने हैं। आप देखें कितनी खूबसूरती से वाइट हो रहा है। हमारा 11वां स्टेप स्टार्ट हुआ है। ये हमारा 12वां और आखिरी स्टेप चल रहा है। वाइंडिंग के लिए आखिरी स्टेप है, अभी हमारी और भी वाइंडिंग रहती है। ये हमने 29 नंबर तार फिर से हमने ये मशीन के ऊपर चढ़ा लिया, क्योंकि ये इसलिए ये इसके हम अलहदा से 4 स्टेप बनाएंगे, जो एक 4 वोल्ट के लिए, एक 6 वोल्ट के लिए, एक 12 वोल्ट के लिए और एक 24 वोल्ट के लिए। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने इसके 12 टर्न देने हैं। ये हमारी 4 वोल्ट की वाइंडिंग कंप्लीट हो गई, अब हम 6 वोल्ट के लिए कर रहे हैं, इसके हमने 18 टर्न देने हैं। ये हम अपना 3rd स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने पहला जो स्टेप था वो 4 वोल्ट के लिए था, जो दूसरा स्टेप था वो था 6 वोल्ट के लिए, अब ये 12 वोल्ट के लिए हम कर रहे हैं। ये हमारा चौथा और आखिरी स्टेप है, 24 वोल्ट के लिए। फिर हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको इसकी शक्ल खोल के दिखाता हूँ किस तरह का बना है। ये
ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये जो है ये 4 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक है, ये इसकी शक्ल आ गई, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारी वाइंडिंग है ये 110 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक का काम करेगी इंशाल्लाह। चलें अब मैं इसकी तारें अलहदा करता हूँ और गुटका को निकाल देता हूँ। अब मैं इसको इसका नट खोल के तारों को अलहदा कर लेता हूँ और अब हम गुटके को बाहर निकाल लेंगे। ये मैं गुटके को निकाल रहा हूँ, ये हमारा गुटका निकला है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है जो कि मैंने स्पेशल इस बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया है। ये इस बोर्ड का डिज़ाइन आपको पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये इंतहाई यूनिक सा आइडिया है। ये एक टेक्सटिंग बोर्ड है, इसकी वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, कम्प्लीट हो जाएगा। हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई, अब मैं इसके अंदर कोर डालने लगा हूँ। इस तरीके से हम कोर डालेंगे, एक इधर से एक इधर से। इस तरीके से हम अपनी कोर को डालेंगे इसके अंदर। इस तरीके से हम कोर को डालेंगे। एक एक करके हम इसके अंदर पत्नी को डालेंगे। हमने ई डाली है, अब हम आई डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड पर इसी तरीके से हम डालेंगे पत्नियों को।
लेकिन आपने मेरी इस्लाह करनी है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आपने मेरी इस्लाह ज़रूर करनी है। तो हमने इसकी पत्तियों को लगा लिया, चले हम इसको वार्निश करने चलते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं वार्निश लगाना। हमें इसको हम कैसे लगाएंगे जो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने एक वार्निश की बोतल ले लेनी, उसके ऊपर एक सुराख कर देना है। ये अगर आपको कैमरा मैन दिखा सकूँ मैं इस तरीके से, और वार्निश हमने इसकी कोर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हम डाल देंगे। हम इसको हम सीधा इसलिए करेंगे ताकि ये वार्निश इसके अंदर तक चली जाए। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम चारों कोनों पे इस तरीके से हम वार्निश को डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से। अब हम इसको भी इस तरीके से सीधा करेंगे और वार्निश को डाल देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो इसकी जो खाली जगह वो फिलिंग है जो इसकी, इधर भी हम इसी तरीके से डालेंगे। इसको भी अब हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से वार्निश डालेंगे। और अब हम इसको ये लास्ट साइड हमारी रहेंगे तो हम इसे ही डाल लेंगे। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से अब हम रख देंगे, तो इसको हम कल तक इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। शुक्रिया। चले इसकी वार्निश कंप्लीट हो चुकी है, तो ये अच्छे से सूख गया है। ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो 4 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक का काम करेगा। 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट और 24 वोल्ट। और जो जिसके 12 स्टेप से ऊपर वाला पोर्शन, ये 110 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट तक का काम करेगा। यह ट्रांसफार्मर वाइंड करने का मकसद यह था कि हम कार्ड को एक्यूरेट सेटिंग कर सकें, इसकी कोई सा भी कार्ड हो उसकी हम अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आपको मेरी मशीन का आइडिया कैसा लगा, आपको मेरे ट्रांसफार्मर का आइडिया कैसा लगा? जब मैं इस ट्रांसफार्मर को स्टार्टिंग होती हूँ अंदर इंस्टॉल करूँगा तो इसकी वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी इस मुल्क के लिए खिदमत करें, मैं भी इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह खिदमत करूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।